नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम अपना स्प्लेंडर प्लस बाइक को रवाना कैसे करें, किसी भी बाइक को रवाना करने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जैसे आप अपना बाइक का चाबी ऑन करते हैं और बाइक न्यूट्रल करते हैं तो यहाँ पर एन लिखा हुआ रहता है। देखिए, इसका लाइट ख़राब है, नहीं तो यहाँ पर लाइट जलेगा। जैसे बाइक न्यूट्रल है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बाइक को जब आप आगे पीछे करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आगे पीछे हो जाएगी, इसका मतलब बाइक न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका किक स्टार्ट बाइक है तो अपना किक मारते हैं न्यूट्रल करके। गियर न्यूट्रल होना चाहिए, ये सर्वप्रथम हम ध्यान रखते हैं। तो एक किक से ये बाइक अपना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अपने क्लच के फंक्शन को समझते हैं। देखिए, ये आपका क्लच है तो इसको दबा देते हैं। इसके जो भी गियर है वो सारे पीछे की ओर लगेंगे, जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रखा। देखिए, पीछे की ओर दबाने पर 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस से सारे गियर लगेंगे, यानी शिफ्ट 2 होंगे। आगे दबाने पर शिफ्ट डाउन होंगे, यानी आपके गियर निकलेंगे। तो चलिए क्लच दबाते हैं और अपने गियर को पीछे डाल देते हैं, यानी एक नंबर डाल दिया। और बाइक को हमेशा एक नंबर में ही रवाना करना रहता है, ये आप जानते होंगे। अब दोस्तों, जैसे हम अपना क्लच को देखें तो यहाँ तक इसका क्लच फ्री है। जैसे इस पॉइंट पर आता है तो आपका बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और यदि हम रेस नहीं देते हैं तो आपका बाइक बंद हो जाता है। एक यह तरीका है। दूसरा तरीका, हम रेस ज़्यादा दे दें और क्लच को अचानक छोड़ दें तो भी बाइक आपका झटके के साथ रवाना होगा। तो सही तरीका क्या है रवाना करने का, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, सही तरीका यह है, जैसे अपना क्लच दबा दिया, एक नंबर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा रेस फिक्स कर दूँगा। जैसे मैंने इतना रेस फिक्स कर दिया और क्लच को मैं एक पॉइंट पर लेके गया। देखिए दोस्तों, जैसे बाइक पूरी तरीके से रवाना हो गया तो मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया है। दोस्तों, रोकने के लिए हम हमेशा ध्यान रखें, अपना पीछे का ब्रेक यूज़ करना है। देखिए, दोबारा देख लो आराम से, यहाँ पर क्लच, यहाँ तक क्लच फ्री है। इस पॉइंट पर जैसे आपका बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अपना थोड़ा सा रेस बढ़ा देंगे। जैसे बाइक पूरी तरीके से रवाना हो जाता है तो आप अपना क्लच पूरा छोड़ देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से एकदम आराम से अपना बाइक को रवाना कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगले वीडियो में दोस्तों हम जल्दी फिर मिलते हैं, और बाइक चलाने का फुल वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा।